बॉलीवुड सितारों का कुछ नहीं कहा जा सकता, कब कौन कहाँ चमक जाए। और बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो कभी एक्टिंग करेंगे, पर किस्मत उन्हें यहाँ तक लेकर आ गई। इन सितारों की पहली फिल्म तो सुपर हिट रही, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे इस माया नगरी से गायब हो गए। इन्हीं में से एक नाम है राहुल रॉय। कैसे उनका करियर फ्लॉप हो गया, आइए जानते हैं। राहुल रॉय का जन्म 9 फरवरी 1968 में हुआ था। इनकी मां 90 के दशक में एक बहुत ही अच्छी कॉलम राइटर रही है। इसी वजह से राहुल की मां से मिलने महेश भट्ट उनके घर गए थे। दीवार पर लगी राहुल की तस्वीर को देखकर वो इम्प्रेस हो गए। महेश भट्ट ने जब राहुल के बारे में पता किया तो पता चला कि राहुल ने दिल्ली से अपनी हायर एजुकेशन पूरी की और मॉडलिंग भी करते हैं। उन्होंने उसी वक्त तय किया कि राहुल को लेकर वो आशिकी फिल्म बनाएंगे। महेश जी ने राहुल को ऑफिस बुलाया, साथ ही आशिकी में काम करने का ऑफर दे दिया और उन्हें एक्टिंग सीखने की भी नसीहत दी। राहुल ने मॉडलिंग करते हुए एक्टिंग भी सीखनी शुरू कर दी। राहुल जब फिल्म कर रहे थे तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी। ये फिल्म महेश भट्ट की निजी जिंदगी पर आधारित थी। फिल्म रिलीज होने के दिन महेश भट्ट मेट्रो सिनेमा में राहुल को पहला शो दिखाने ले गए। लोगों को जैसे ही राहुल के बारे में पता चला तो वह बेकाबू हो गए। उन्हें रोक पाना मुश्किल था। लोगों से बचने के लिए राहुल मैनेजर के केबिन में छुप गए। किसी तरह उन्होंने फिल्म देखी। फिल्म खत्म होते ही जब लोगों को यह पता चला कि मैनेजर के केबिन में है तो वो हल्ला मचाने लगे। लोग मैनेजर के केबिन को तोड़ने की कोशिश करने लगे। बाद में किसी तरह बचकर राहुल वहाँ से निकले। रास्ते में महेश भट्ट ने राहुल से कहा, तू तो स्टार बन गया। इस तरह राहुल रॉय अपनी पहली फिल्म से ही रातों रात स्टार बन गए। यह फिल्म 6 महीने तक हाउसफुल चलती रही। राहुल महेश भट्ट से मिले और भट्ट साहब ने राहुल को लेकर आशिकी बनाई। इस फिल्म ने राहुल को रातों रात स्टार बना दिया। इतना ही नहीं बल्कि इनकी हेयर स्टाइल पर तो लड़कियां फिदा थी। यह फिल्म ने राहुल को स्टार तो बना दिया, लेकिन 6 महीने तक उन्हें कोई फिल्म का ऑफर नहीं मिला। इस वजह से राहुल थोड़ा परेशान हो गए। फिर अचानक एक साथ 60 फिल्में साइन कर ली और 6 महीने तक राहुल बहुत बिजी हो गए। एक समय ऐसा था कि जब राहुल 3 से 4 फिल्मों की शूटिंग एक साथ किया करते थे। इस दौरान बाकी फिल्मों के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। इस वजह से उन्होंने 20 से 25 फिल्मों के शाइनिंग अमाउंट को वापस कर दिया। यह सभी फिल्में आशिकी के आसपास तक नहीं पहुंच पाई और बीच में महेश भट्ट की कुछ फिल्में कामयाबी का सहारा मिल जाता, पर इतना काफ़ी नहीं था। देखते ही देखते राहुल फ्लॉप होते चले गए। इतना सब होने के बाद भी राहुल ने हार नहीं मानी। एक बार फिर वह छोटे पर्दे पर अपने जलवे बिखेरने में कामयाब रहे और बिग बॉस के विनर बने। इसके अलावा इन्होंने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। आज इनका लुक में काफ़ी बदलाव आ गया है। राहुल रॉय की लव लाइफ हमेशा विवादित रही। सबसे पहले उनका अफेयर महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट के साथ हुआ, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारा। राहुल की फ्लॉप फिल्मों के बीच उनकी ज़िंदगी में मनीषा कोइराला की एंट्री हुई। दोनों ने फिल्म मजदार में साथ काम किया था। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, लेकिन राहुल अपने करियर को लेकर काफ़ी परेशान रहते थे। वो महेश भट्ट को फॉलो करते रहते थे। सुबह से शाम तक वो महेश भट्ट के साथ देखे जाते थे। मनीषा राहुल और अपने रिलेशन को लेकर काफ़ी सीरियस थी, लेकिन राहुल को आधी रात के बाद मनीषा की याद आती थी। यहाँ तक कि जब वो मनीषा के साथ होते थे तो महेश भट्ट को कॉल करने के लिए मनीषा का फ़ोन इस्तेमाल करते थे। जैसे उन्हें पता चलता था कि महेश भट्ट फ्री है तो वो मनीषा को छोड़कर उनसे मिलने पहुँच जाते थे। मनीषा को लगने लगा कि राहुल उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो उन्होंने राहुल से रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचा और इस तरह से दोनों का रिश्ता यहीं ख़त्म हो गया। राहुल की फिल्में वैसे भी नहीं चल रही थी, तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी ज़िंदगी में सैलाब आ गया। राहुल फिल्म सिटी में जब दिल मिले की शूटिंग कर रहे थे तो एक सीन के दौरान उन्हें जीप चलानी थी। जब सीन शुरू हुआ तो राहुल गाड़ी चला रहे थे तो उन्हें पता चला कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं। उन्होंने गाड़ी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ शूटिंग देख रहा एक शख्स गाड़ी के सामने आ गया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस व्यक्ति की पैरों की हड्डियाँ टूट गई। उस शख्स ने राहुल के खिलाफ केस कर दिया। राहुल बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। फिल्म के प्रोड्यूसरों को अपनी फिल्म रुक जाने का डर था, इसलिए उन्होंने राहुल की मदद की। इससे वो जेल जाने से तो बच गए, लेकिन उनकी इमेज पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी। अब उन्हें फिल्में मिलना भी बंद हो गई। इसके बाद उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री में बने रहने के लिए राहुल को बी और सी ग्रेड की फिल्में करने को भी मजबूर होना पड़ा। और लगता है कि पहली फिल्म के बाद राहुल के करियर पर ग्रहण लग गया था। राहुल ने मॉडल राजलक्ष्मी खान विलकर से शादी कर ली, लेकिन निजी ज़िंदगी में उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। जल्द ही दोनों का तलाक हो गया। अब दोनों अलग हो गए हैं। फिलहाल राहुल ने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी शुरू किया है। अब उनका एक राहुल रॉय प्रोडक्शन नाम से प्रोडक्शन हाउस भी है। वो ओरिजिनल फिल्मों को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, राहुल रॉय से जुड़ी जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।